आज मैं लाया हूँ मेक वाले पांच फ्रेज वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सभी वर्ड्स हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके देखें कि किस कंडीशन में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना या अर्थ निकालना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इस पैसेज का अर्थ नहीं निकाल सकता हूँ या मैं इस पैसेज का मीनिंग नहीं समझ सकता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। यानी इस पैसेज का मीनिंग मैं नहीं समझ सकता हूँ या इसका मीनिंग मैं नहीं निकाल सकता हूँ। मैं नहीं समझ सकता हूँ बच्चे किस लिए चिल्ला रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't make out what the children are crying for। यानी मैं नहीं समझ सकता हूँ कि बच्चे किस लिए चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। मैं इस शब्द का मीनिंग नहीं समझता हूँ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I don't make out the meaning of this word। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि make out का मतलब होता है समझना या अर्थ निकालना। make off का मतलब होता है भाग जाना यानी run away। जैसे अगर आपको कहना हो कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द थीफ मेड ऑफ आफ्टर सीइंग द पुलिस। यानी पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अगर आपको कहना हो कि तुम क्यों भाग गए तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Why did you make off? यानी तुम क्यों भाग गए। कुछ लोग भाग रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Somebody is making off। यानी कुछ लोग भाग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया कि मेक ऑफ का मतलब भाग जाना। मेक ओवर का मतलब होता है सौंपना यानी हैंड ओवर। लेकिन इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम कानूनी तौर पर किसी को कोई चीज सौंपें यानी हैंड ओवर करें। जैसे वो अपनी जायदाद अपने बेटे को सौंप दिया तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He made over his property to his son। यानी वो अपनी जायदाद अपने बेटे को सौंप दिया। यानी कानूनी तौर पर वो अपने बेटे को सौंप दिया। मैं अपना YouTube चैनल आपको सौंप दूंगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I make over my YouTube channel to you। यानी कानूनी तौर पर मैं अपना YouTube चैनल आपको सौंप दूंगा। मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना या सिंगार करना यानी सजना सवरना। जैसे अगर आपको कहना हो कि बहुत औरतें अपने चेहरे को सिंगार करती हैं यानी मेकअप करती हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मोस्ट वुमेन मेकअप देयर फेसेस। यानी बहुत से औरतें अपने चेहरे को सिंगार करती हैं। अगर आपको कहना हो कि वह सिंगार नहीं करती है यानी वह मेकअप नहीं करती है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी डजंट मेकअप। अगर आपको कहना हो कि मैं इस नुकसान की भरपाई करूंगा तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेकअप द लॉस। यानी मैं इस नुकसान की भरपाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि मेकअप का मतलब सिंगार करना या भरपाई करना। मेक आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस आर मेकिंग आफ्टर अ थीफ। यानी पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है। अगर आपको कहना हो कि मैं उसका पीछा किया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेड आफ्टर हिम। यानी मैंने उसका पीछा किया। अगर आपको कहना हो कि मेरा पीछा कौन कर रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Who is making after me? यानी मेरा पीछा कौन कर रहा है? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों फ्रेज वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।